पिटाई खाना है, पिटाई खाना है, पिटाई खाना है। तो दीदी क्या कर लाए? ऐको दीदी क्या कर लाए? अंदर भागने में मजा आता है, बस देखो 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 देखो। Mango is king of fruit. Mango is king of fruit. Red in color. Mango is yellow. Green. तो दोस्तों नमस्कार, सुबह स्वागत है आपका। सुबह हो चुकी है, 11:30 बज रहे हैं, सब नाश्ता हो गया है। तो देखो मालिश मालिश और इन दीदी की मालिश हो रही है। आज रश्मि मालिश कर रही है। पापा, मालिश इज माइन। नहीं आपकी मालिश नहीं हो रही, आप क्यों तेल लगा रहे हैं? रचना थोड़ा बताओ क्या चल रहा है, मैं गीत को नहीं दिखा सकता। यार क्या दिखाऊं, मालिश चल रही है तो मैंने कहा गीत को भी कर ही देते हैं सरसों के तेल से मस्त। अभी गिरा देती तेल। सबसे पहले आज ये कर रहे हैं, बाद में दूसरे काम करेंगे। हाँ झाड़ू वाड़ू बाद में, रिलैक्स करो। संडे यार हमें जाना था एक्चुअली एक इनॉग्रेशन में स्कूल के, बट संडे हो नहीं पाता जल्दी हमसे। जल्दी हो भी जाए फ्रेंड, संडे तो थोड़ा चिल मारे ना यार। मैं घर भाग भाग के जाना, भाग भाग मेरे से नहीं होता यार। इनको नहला के तैयार करके इनको खाना खिलाती हूँ, फिर देखूंगी चिल मारना आज। आज रचना ना अभी स्पेशल कुछ बना चुकी है पहले ही, ब्लॉग में लेट बने। दोस्तों नमस्कार, ये आज इतने सारे कपड़े, तो संडे होता है तो मोस्टली हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा पैसा रहता है कि ये गीत के कपड़े हैं, स्कूल के हैं, यूनिफॉर्म है, ये सब धोने पड़ते हैं। पूरे हफ्ते भर के तो नहीं होते हैं, मगर क्या होता है कि हफ्ते में कुछ कपड़े हम बचा लेते हैं कि यार चलो कल धोएंगे, फिर इकट्ठे होकर संडे को धोते हैं। तो इसलिए ब्लॉगिंग नहीं हो पाती, सिर्फ काम ही काम होता रहता है। संडे के दिन सोचते हैं आराम करेंगे, वो नहीं हो पाता यार। एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम तैयार हो। ये सूखे कपड़े हैं जो अभी उठा के लाए, तो अभी हाँ क्या हो रहा है बताओ, क्या पढ़ रहे हो? हम कल एग्जाम है इंग्लिश का। हाँ मैंगो के बारे में पढ़ रहे हो क्या? बताओ मैंगो बताओ। हाँ ओ ओ हाँ मैंगो। तो दोस्तों कल मैंगो के बारे में पूछा जाएगा, तो रचना ने ऐसे ड्राइंग बना के दिए जिससे कि वो इजीली याद हो जाए उसको। दो तीन लाइनें याद हो गई फिर भूल जाती, फिर याद कर, यही कर रहे टाइम पास। जिसको बोला जब तक ये नहीं पढ़ेगी तब तक आप उसको टीवी नहीं चालू कर देंगे, है ना? जल्दी पढ़ के बता दो फिर आप टीवी चालू कर लेना, जल्दी रात कर लो, है ना? क्लीन हो गया है जैसा आपने पता होगा, रोज की तरह कुछ नया नहीं है। दोनों ये देवी जी क्या कर रही है? क्यों चलो अच्छी बात है, कोने का भी साफ करो, चलो करो करो करो। दोस्तों अभी रचना बना रही है पास्ता, संडे तो हम नॉर्मल दाल रोटी ही खा रहे हैं। बच्चों के लिए रचना कुछ खास बनाया, मैं चल रहा हूँ रचना खुद बताए, थोड़ी देर बाद होकर रचना नहा के बताएगी। अभी मैं नहाने जा रहा हूँ कपड़े धुल गए, तो ये दोनों बच्चे सो रहे हैं, नहा धो ला लिया। मैंगो कौन कौन से कलर में होता है? रेड ग्रीन एंड येलो, वेरी गुड। और किंग ऑफ फ्रूट होता है, और नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, सब याद करो, थोड़ा मुश्किल है आपके लिए मगर ठीक है, आप पांच में से चार लाइनें भी बता दोगे ठीक है। चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ। दोस्तों नहा लिया है और अभी जा रहे हैं बाजार मावा लेने। अच्छा बोला मावा ले कराओ, अब बीवी का हुक्म तो मानना पड़ता है। क्यों बोला? ओबियस है कि गाजर और चुकंदर का कुछ हलवा बना रही, मिक्स बच्चों के लिए बना चुकी है, अपने लिए हो सकता है गाजर ले जाओ तो अच्छा बने, देखते हैं लेके आते हैं। बीवी का हुक्म कभी मना नहीं करना। तो दोस्तों जैसा मालवीय जी ने आपको बताया पास्ता बन गया है, और मैंने बनाया था बीट रूट का जिसमें थोड़ी सी गाजर भी है। एक्चुअली बच्चों के लिए मैंने जूस पी रही थी तो बची थी, मैंने कहा क्यों रखना, तो बच्चों के लिए अलग निकाला है। इनके मैं फॉर्मूला में डाल के जब वो खाएंगे तब, और हमारे लिए मैंने मालवीय जी से मंगाया था मावा। वैसे दूध में उबालते हैं वो भी टेस्टी लगता है, पर इतना टाइम नहीं था क्योंकि पानी में, बच्चों के लिए दूध में नहीं उबालती ना, बच्चों के लिए पानी में उबाला था इसीलिए। फिर मैंने मालवीय जी से अभी मावा मंगाया, और मालवीय जी बिल्कुल फेवर में नहीं थे मावा लाने के, जिद करके रिक्वेस्ट करके मंगाए, पता नहीं कितना लाए। मेरा मन तो कहता है एक किलो ले आओ और मैं खाती जाऊं, मैं खा लूं, मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों ये मावा किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा। मावे की बात तो हलवे तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, मगर ऐसा हलवा मुझे लगता है कि नहीं खाया होगा। इसमें गाजर प्लस बीट रूट का हलवा है। बनाने की विधि वैसे ही है जैसे ऑलमोस्ट गाजर की होती है, मगर उसमें बीट रूट का टेस्ट आ रहा है, प्लस उसके पोषक तत्व भी इसमें मिल रहे हैं। टेस्ट अच्छा है।
ऐसा नहीं है, बनाया किसने इसके वजह से टेस्ट है ना, तो आपके तो तारीफ नहीं करते, कल ही लाइन में दो तीन लोग कह रहे थे तारीफ किया करो। हाँ मैं इसकी करूंगा, मैं सब्जी जब अच्छी बनेगी तब करूंगा, अभी इसकी तो मैं तारीफ कर रहा हूँ एकदम। पास्ता भी ठीक थी, अच्छा ही था ना, तो टेस्ट कर लेते हैं, तो मेरा हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। दीदी लात मार रहे दीदी को अपन, गिरे 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 मालवे जी, गिर गए तो गिर गए पना मम्मी, हाथ छोड़ दो, हाथ पापा खींचना मत खींचना मत भैया। रीत दीदी तुमको बिल्कुल अंदर सुकून नहीं मिल रहा, बाहर खेलने में तुमको अंदर भागने में मजा आता है, बस देखो 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 कहाँ जाना मम्मी, अंदर अंदर जाओगी क्या, बस बस अब बस अब बस अब बस अब बस 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 बस। तो संडे ऐसे निकल रहा है, मैं सोचते हैं यार कहीं जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, मगर कुछ नहीं कर सकते यार, ऐसा लगता है कि सच में तीन बच्चे क्या कर लिए अपनी जिंदगी, बेकार हो गई यार। हाँ यहाँ पे तो कितना अच्छा था, मूवी देखने जाते थे, कहीं मॉल जाते थे, कुछ घूम के आते थे, कहीं कुछ एग्जीबिशन हो रहा होता तो वहाँ चले जाते थे, और इन विंटर में तो मेले लगते हैं है ना, कुछ कार्निवल्स होते रहते हैं, इतनी इतनी इंदौर इतनी फेमस सिटी है, मेरा तो आप अभी भी मुझे ले जा सकते पर आप नहीं ले जाते, दो मोड़ियों के तो कहाँ लेके घूमो यार, ठंड है जरा सी हो गई, और फिर ही कहाँ हो रहे हैं, चार बजे दोस्तों खाना खाया, अब क्या ब्लॉगिंग करा, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं हम बस। नेगेटिव मन लेना, पर ये हर पेरेंट्स का ही लाइन होती होगी कि आपका बच्चे जब खासकर ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब मजे आएंगे, जैसे तो गीत का हम लगा था मजे होने लगे थे, हम जाने लगे थे घूमने लगे थे, चलो चलो वो रोने लगी पापा। तो दीदी क्या कर लाए, ऐको दीदी क्या कर लाए, क्या कर ले दोनों एक साथ, देखो दो 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 दोनों एक बैठे, आज हमने इनको बिठा के रखा है, थोड़ी देर इनकी एक्सरसाइज हो रही है बैठने की, क्या होता है ये भी थक जाते हैं बैठे बैठे, और हमारी तीसरी दीदी भी बैठ गई है, हमारी सबकी सर सबसे बड़ी दीदी, दीदी दीदी वाह दो तो कितने अच्छा लग रहा ना, तीन देवी आपके घर में विराजमान है ना, हाँ गिर आशीर्वाद दे दो पापा को, हाँ बस 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 हाई फाइव नहीं करना जे जे चलो बस। तो रचना को टेंशन हो रही गीत के एग्जाम की, कल 18 तारीख से एग्जाम है, पहला पेपर है इंग्लिश का, ये मत देखिए इग्नोर करिएगा, कॉफी पी अभी अभी हमने दिखाना चाह रहे थे, मैं दिख गया तो ठीक है, दिखाना नहीं चाह रहे मतलब हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा पति पत्नी वाला समय बीते, और आपको भी बताना चाहिए इस ब्लॉग के माध्यम से, ये भी हम बता सकते हैं कि जब ऐसे बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, और खासकर रिलेशनशिप में थोड़ी सी दूरी आ जाती है ऑब्वियस है ना, क्योंकि इरिटेशन होने लगती है, चाहे बच्चों को लेके हो या फीमेल को उनकी प्रॉब्लम्स को लेके हो, जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आते हैं उनको लेके प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन नेसर आ जाता है, हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, मेल के साथ क्या होता है कि पत्नी को उतना समय, पत्नी उनको उतना समय नहीं दे पाती है, और फिर बच्चे होने लगते हैं तो उनके जो भी वो रोज कर रहे होते थे, टीवी देखना, गेम देखना, वेब सीरीज देखना, नेटफ्लिक्स देखना, दोस्तों के साथ घूमना, वो कम हो जाता है, रात को जागना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप दूसरों को समय दिया करो। तो आज हम इसलिए ब्लॉगिंग काम कर रहे थे, सिर्फ बैठ के बातें कर रहे हैं कि है ना, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो सीख लो, और तुम लोग को मैं अभी देखता हूँ, रुको मैं बताता हूँ, तुमको अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, पिटाई खाना है मैं ऐसा कर दूंगी बच्चों के साथ, बचाने आती है, पिटाई खाना है, पिटाई खाना है, पिटाई खाना है, पिटाई खाना है, आठ आठ गिर, बेबी को मारे, बेबी गंदी है, अच्छा सब अच्छा है, इतना होना चाहिए पॉजिटिव में, सब अच्छे हैं, इवन मैम भी अच्छी है, कल बच्चे को जिसने मारा था ना वो भी अच्छा अच्छा है, जिसने गीत को मारा था वो भी अच्छा बच्चा है। गीत का टेस्ट पेपर हो रहा है प्रिपेयर, यार उसे पता नहीं कर्सिव स्मॉल लिखने में क्या दिक्कत है, लिखती नहीं है, पापा पे ही गई है बिल्कुल, गीत ये करना है, 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 फिर मैंगो की बात करेंगे अपन, आर यू रेडी, यस मामा, यस मामा, वेरी गुड, पर मैं कैसे चलूं, नीचे कौन है, ओ भैया जी नीचे क्या कर ले आप, मम्मा कैसे उठेगी,
रीत हटो बेटा, आप नीचे क्या कर रहे हो बेटा? आपका नीचे क्या काम? मम्मा कैसे हटेगी चेयर से? हाँ चलो गीत अपने टेबल लगाओ, वहां पे टेबल पे बैठो, गो। अरे हाँ फ्रेंड्स, ये आ जाती पैर के नीचे, मैं क्या करूं, मालवे जी सुनते भी नहीं है। क्या चल रहा है यार इस घर में, क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। कोनो चीज समझने की नहीं है मैडम। गीत यहाँ बैठ जाना और यहाँ बैठ के कर लेना। स्टार्ट कर तो दी पेंसिल, करो कर दो जाओ फटाफट। आप करो, मम्मा ने बताई खुद करना है। मम्मा निकल गई, रीत नीचे ले गई, मम्मा आ गई है भाई, आ गई है रीत दी, मम्मी आ गई है। बोलते ना बहुत सीधी है, मीत सीधी नहीं है। आज पापा घर पे दिन भर, तो ये रोक रहे हैं जिससे गोदी में आके बैठे हैं, ये देखो। और ये रीत को चिढ़ा रही है कि देखो देखो कैसे चिढ़ाती है उसको, और मैं बैठ जाती आके गोदी में, बस नीचे उतारेंगे रोन लेंगे। अब वो बेचारी क्या कह रही है बोलो। पेपर है बेचारी रचना, बहुत परेशान, जैसे इसका एग्जाम है, टेंथ बोर्ड का पेपर है भाई साहब, इतनी टेंशन ले रखी जाने तो। हमें दिनों मुश्किल कर दो भैया, नहीं टीवी नहीं चला पा रहे हम, जाके चक्कर में कहीं देख ले, आज संडे है कहीं नहीं गए घूमने तो मूवी देख ले। नहीं नहीं भैया, हमारी हालत देख रहा आप, काम करा करा के फजीहत कर भैया मर जाने। तो क्या कह रहे हैं, बहुत देर से चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बाप रे, ता 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 ता। दोनों के डायपर उतार दिए दोस्तों, थोड़ी देर खुले में रहेंगे, दो घंटे के आसपास हम रखते हैं। तो आप भी कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो, ऐसा नहीं है कि ना हम जैसा करें वैसे ही करें, मगर कोशिश करना चाहिए कि रेसेस भी नहीं होते हैं और बच्चा एंजॉय करता है, वो भी एंजॉय कर रही है, ये भी एंजॉय कर रही है। करो 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 बैठे लोग। हाँ टाइम आगे खत्म करते हैं, 12 बज रहे हैं आज, मगर कोई नहीं सोया है, नमीत दीदी सोई है ना, रीत दीदी सोई है, और हम देख रहे हैं अभी क्या देख रहे हैं रचना, हाउ टू रिच है, हाउ टू गेट रिच, ऐसा कुछ है। एक एक टाइप से डॉक्यूमेंट्री है, एक पूरी वेब सीरीज टाइप की है। तो रचना काफ़ी कुछ सीख रही है, फाइनेंशियली कुछ सीख रही है, आने वाले ब्लॉग में हो सकता है कल बताए वो आप लोग के उसके लिए है, सेविंग मुझे पता है, लेकिन कुछ चीजें एज इंडियंस पे, मतलब मिडिल क्लास इंडियंस पे लागू नहीं हो पाती है। जैसे कि घर खरीदना, क्या हुआ बेटा? आज बहुत खांसी चल रही है इसको यार, नहीं तो मी तो आज खांसी चल रही है, सोई नहीं है, सो गई थी उठ गई है, सब्जी बनाई ना तब से उसको ठंडा लग गया। बाप रे, चलो। तो बस यही था आज का ब्लॉग का, पूरी थीम यही थी कि जब भी आपको जब भी मिले, चाहे आपके बच्चे छोटे हों बड़े हों, तो आप अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को समय दें, आप वाइफ हैं तो हस्बैंड को समय दें, है ना। एक ही दिन मिलता है संडे, फैमिली के लिए निकालें, ना कि अलग ही समय है ज़्यादा तो पिक्चर विक्चर देख लो, जो भी करना है करो, मगर बैठ के 10-15 मिनट आधा एक घंटे दो घंटे समय बिताएं, कॉफ़ी पिए, चाय पिए, अपने पुराने दिनों को याद करें, है ना, वही कर सकते हैं जिस अपने रिलेशनशिप में और जान आएगी। आप लोग में तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपको बहुत अच्छी जोड़ी है, आपके अच्छे हस्बैंड हैं, आपकी अच्छी वाइफ है, इसलिए मैं कह रहा कि आप भी ऐसे अपने लाइफ को और अच्छा कर सकते। चलो दोस्तों, बाय, जय माता दी, अपना ध्यान रखना, उम्मीद है आपका ब्लॉग अच्छा लगा हो, जितना भी बनाया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।